किसी देश की पुलिस एक फोन कॉल को लेकर परेशान हो सकती है? पाकिस्तान में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पुलिस टीम के पास एक ऐसा ही फोन कॉल आया जिसको लेकर उनकी न केवल टेंशन बढ़ गई, इस मामले में उन्हें शिकायत तक दर्ज करवानी पड़ गई। पाकिस्तान की एक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक, उनके कंट्रोल रूम में 25 दिसंबर को एक शख्स ने लगातार कई बार फोन किया और जय हिंद के नारे लगाता रहा। इतना ही नहीं, इस शख्स ने फोन पर खुद तो नारे लगाए ही, पुलिस कर्मियों से भी जय हिंद के नारे लगाने की मांग की। इस्लामाबाद पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने ये फोन कॉल किया। इस्लामाबाद पुलिस के कंट्रोल रूम में आए फोन कॉल को लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जिस शख्स ने कंट्रोल रूम में 25 दिसंबर को फोन किया और जय हिंद के नारे लगाए, साथ ही अधिकारियों से भी नारे लगाने की मांग की, आखिर उसका संबंध किस देश से है। इस संबंध में की गई शुरुआती जांच में पता चला कि फोन करने वाला शख्स भारतीय ही था। जांच में पता चला कि फोन करने वाले शख्स की पहचान जैसे के तौर पर हुई है, वो भारत से ही फोन कर रहा था। फिलहाल पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि आखिर फोन कहां से आया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी PTCL से इसमें मदद मांगी गई है, जिससे पता चले कि आखिर फोन कहां से और किसने किया। 3 इंडिलिंक्स।